हाय फ्रेंड्स, राजवंश सिंह मोहाली गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक पेरेंट्स और बच्चों को लेकर के जो लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस करने से पहले बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं, उनके कुछ जो उनके मन में गलतफहमी है वो निकालने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको। तो ये जॉब और बिजनेस मैंने ऊपर लिख दिया है और नीचे रिस्क लिख दिया है कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं। यदि हम बिजनेस में देखें, क्योंकि हम लोग जब ऐसा हम ऐसे समाज में पैदा हो रहे हैं, ऐसे समाज में हम पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जिसमें बिजनेस को एक बहुत ही नेगेटिविटी के हिसाब से देखा जाता है, जॉब को ही सिक्योर माना जाता है। हमारे जितने भी बच्चे नए बच्चे पैदा होते हैं उसको जन्म घुंडी से लेके जब तक वो 25, 26, 27 साल का नहीं हो जाता तो तब तक उसके बारे में यही लोगों की परसेप्शन बनी रहती है कि ये पढ़ लिख के बड़ा होके ऑफिसर बने और ऑफिसर बन के इसकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, जबकि ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ये रिस्क लिखा है, मैंने जॉब और बिजनेस में रिस्क का मैंने ये बनाया एक अपनी किताब नॉट मैड सो बैड, जो मेरी पंजाबी की किताब है, मोटिवेशनल बुक है। इसको मैंने डिफाइन किया था रॉयल इनकम सोर्सेज आफ्टर नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। जब आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाते हो तो रिस्क जो है आपकी रॉयल इनकम सोर्सेज में बदल जाता है। अब आप सोचो कि जॉब में रिस्क है नहीं, बिजनेस में रिस्क ही रिस्क है। भाई, पहली बात तो ये कि जब से बच्चा पैदा हो जाता है, माँ बाप, समाज, मामा, ताऊ, फूफा जो भी हैं उसके पीछे लगे रहते हैं कि वो जॉब करे। जो आदमी जॉब नहीं करता उसकी नलायक आदमियों में गिनती की जाती है, उसको बेरोजगार देख के उसके ऊपर तर्स करके देखा जाता है। सो सबसे पहली बात ये कि जॉब पॉसिबल है क्या हर बंदे के लिए? जो सरकारी जॉब का प्रलोभन दिया जाता है वो पॉसिबल है? सबसे पहले तो पॉसिबल ही नहीं। गवर्नमेंट में किसी में इतना दम नहीं कि इतनी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो क्रिएट कर दे कि हर बंदा एडजस्ट हो जाए। अपने देश में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा है और जॉब के जो चांसेस हैं वो कहीं ज़्यादा कम है, कहीं कम है उनसे चांसेस से। सो ये जो जॉब है, सबसे पहले तो ये है, 20-25 साल का लड़का होता है, 26 साल का, 28 साल का, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं निकालती। सबसे बड़ा रिस्क तो ये है, पहले जॉब निकलनी नहीं, यदि निकल गई तो फीसें भर भर के उनकी कमर तोड़ दी जाती है। मतलब कितनी फीस जानी है, RRB का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम है, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम है, कोई और एग्ज़ाम है, उसमें पता नहीं कितनी 5-5 सौ, 1000-1000 रुपये फीस दे दे के ही ले लेते हैं। और फीस भरने के बाद फिर जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे जाते हैं, 100-200 किलोमीटर दूर पे एग्ज़ाम है, उनके ऊपर फिर पैसे लगते हैं। कोई एग्ज़ाम पास कर ले फिर इंटरव्यू में फंस जाता आदमी। तो ये रिस्क ही हैं कई बार, मतलब एग्ज़ाम भी हो गया, इंटरव्यू भी होगी, गवर्नमेंट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई तो वो वहीं रुक गया। तो जब वो उसका दोबारे खुलता है, जब दोबारे उसको थ्रू होता है, तब तक लोग, कई लोग ओवर एज हो जाते हैं। ये कितना बड़ा रिस्क है, कुछ किए ही नहीं, मतलब उसके उनके लिए कुछ है ही नहीं जॉब वालों के पास। यदि ये जॉब वाले बंदे शुरू से अपना छोटा छोटा काम करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली उनका जो स्किल डेवलपमेंट है, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अब पंगा ये है कि हम लोग जो जॉब वाले हैं, जो हम जॉब वाले हैं ना, तो हम सिर्फ जॉब की के पीछे ही भाग रहे हैं, हम अपने आप के सारे दूसरे काम हैं जो स्किल डेवलपमेंट वाले काम हैं उनको छोड़ ही देते हैं। अब ये मैंने बिजनेस का लिखा, बिजनेस वालों स्ट्रगल तो जॉब वालों को भी है और स्ट्रगल बिजनेस वालों को भी है। अब मैंने ये इधर 2-3 बंदों का नाम दिया है जिनमें पोंटी चड्डा जी हैं, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कहीं मुरादाबाद में शराब की दुकान पर काम करते थे, छोटा छोटा काम करते थे, और उन्होंने इतना अपने आप को डेवलप किया, इतना स्किल उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाया कि वो
शराब के किंग कारोबारी के तौर पर आ गई। वेव स्टेट उन्हीं की है। वेव स्टेट कितने मतलब कितने राज्यों में चल रही है। वेव स्टेट का मतलब एक बहुत बड़ा स्टेटस है। तो यदि वो ये जॉब के पीछे लग जाते, पोंटी चड्डा जी जॉब के पीछे लग जाते, तो डेफिनेटली यदि जॉब उनको मिलती 20,000, 30,000, 50,000 की जॉब मिल जाती, तो जो पूरे स्टेटों में जिसका नाम है वो कभी नहीं हो सकता था। जॉब वाले की और बिजनेस वाले की क्या प्रॉब्लम है? जॉब वाला बहुत एक नॉर्मल कोर्स पे चलता है कि हमें जॉब ऐसे ले लेनी, ऐसे करना है। वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता, सिर्फ किताबी ज्ञान लेता है वो। जबकि बिजनेस वाला ओवरऑल ज्ञान लेता है। जब बिजनेस वाला ओवरऑल ज्ञान लेता है, उसमें उसकी स्किल डेवलपमेंट आ जाती है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल आ गई, और दूसरी उसके में उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आ गई, उसमें लोगों के साथ कैसे बात करनी है, उस अपने टेम्परामेंट को कैसे कंट्रोल करना है, सामने वाले बंदे के साथ किस टेम्परामेंट में बात करनी है, वो ये चीज़ें सीखता है जो कि नौकरी वाले नहीं सीखते। और जब इनका जब ये चीज़ें सीख जाते हैं, लोगों के साथ डील करना सीख जाते हैं, लोगों के ऐसे लोगों के बीच में चले जाते हैं जो करोड़ों रुपए ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो वो लोग डेफिनेटली उन जैसी उनकी सोच हो जाती है। जबकि नौकरी वालों में ऐसा नहीं होता। नौकरी वाला तो एक फिक्स्ड है, जैसे घोड़े के आंखों पर खोपे लगा दिए जाते हैं, वो एक तरफ भागता है, इसी तरीके से नौकरी वाला चलता रहता है। सो नौकरी वाला बंदा जो है वो अपनी स्किल की तरफ ध्यान नहीं देता, डिग्री की तरफ ध्यान देता है। जबकि बिजनेसमैन है वो स्किल की तरफ ध्यान देता है, डिग्री हो या ना हो। यदि इनके पास फिर दूसरे नंबर पर मैंने ये हेनरी फोर्ड का नाम लिखा है, जो कारों जिन्होंने कार बनाई 1906 में, और लोगों ने इनको डिस्करेज किया कि यार आपकी कार कौन खरीदेगा, खाने के लिए तो पैसे नहीं है लोगों के पास। लेकिन उसने कार बनाई, बना के जब मार्केट में खड़ी की, उसका विज़न था, उसका विज़न था, और उसके विज़न में के हिसाब से वो आगे निकल गया, कारें बिकी, और कारें बिकने के बाद आज तक उनका नाम है। ये अपने जो जॉब वाले हैं ये काम नहीं कर सकते। जब भी जॉब वाले का थोड़ा बहुत विरोध हो जाए तो जॉब वाला शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है। जबकि इनका जितना विरोध होता है तो ये उतना ही ज़्यादा शाइन करते हैं। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जिसकी है वो बंदा उतना ही ज़्यादा शाइन कर जाता है। सो ये इन बातों में अगला एंड्रयू कार्नेगी का नाम मैंने लिखा है। एंड्रयू कार्नेगी वर्ल्ड के अमीर आदमियों में एक, 1900 के आसपास की बात है, 1902 के आसपास की। इनकी इनसे लोग इनको सलाहकार बनाया हुआ था, जो बिजनेस कमेटी थी कोई, तो उनमें ये इतनी फीस चार्ज करते थे कि हम सोच भी नहीं सकते। अब उतनी फीस आज भी नहीं हम सोच सकते जितनी फीस ये चार्ज करते थे। और 6 जमातें सिर्फ पड़े हुए थे। और इन्होंने अपनी बायोग्राफी में जो लिखा है, इट इज़ ए डिसग्रेस टू डाई रिच, इसने लिखा है कि अमीर होकर मरना नमोशी वाली बात है। ये कहते हैं मैंने 32 साल की उम्र तक पैसा कमाया, और 32 साल की उम्र के बाद पैसा बांटा ही बांटा है, उड़ाया उड़ाया, मैंने कुछ भी रखना नहीं चाहता था, मैं फिर भी मेरे पास पैसा आता रहा। इट इज़ ए डिसग्रेस टू डाई रिच, ये हम लोग ये कहते हैं इट इज़ ए डिसग्रेस टू डाई पुअर, हम ये कहते हैं कि गरीब होकर मरना बुरी बात है। ये कहता है मैंने इतना पैसा कमा लिया कि मेरे को पैसा चाहिए नहीं, मैं तो बांट देना सारा। तो मतलब ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इनके पास क्या था? सिर्फ स्किल था, लोगों के साथ बात करने की कला थी, और जबकि जॉब वाला वही 10 से 5 काम करके बस सारी की सारी उम्र ऐसे ही लगा रहता है। बहुत अफसोस की बात यह है कि जो एवरेज हमारी लाइफ है वो 75 साल की है, और हमारे से काम 40 से लेके 45 साल तक करवाया जाता है, 60 साल की उम्र तक, और सिर्फ हम 15 साल के लिए सारी उम्र वो दे देते हैं। फिर उसमें 10 से 5 से हमारी लूट होती है, हम प्रेशर में रहते हैं। अभी बैंक वालों का, जब मैं बैंक में काम करता था, हमारे स्टाफ में 5 क्लर्क थे, 5 ऑफिसर थे, 4 सब स्टाफ, मतलब सबॉर्डिनेट स्टाफ का मतलब पीएन थे। तो आज मेरा ख्याल है वही काम 10 गुना बढ़ गया, और जो स्टाफ है 3 बंदों का या 4 बंदों का। कितना प्रेशर है! क्या इनके पास प्रेशर नहीं है? इनके पास रिस्क नहीं है? कोई गलती हो जाए, इतना हैवी काम दिया जाता है, कोई गलती हो जाए तो ये कहाँ करते हैं।
तो रिस्क सभी तरफ है, लेकिन आपने रिस्क को मैनेज करना है। ये ब्लेम नहीं करना, ये सुन के गाली नहीं देनी कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा खराब है या सबसे ज़्यादा रिस्क है बिजनेस में। बिजनेस में रिस्क नहीं है, बिजनेस में बल्कि रिस्क को मैनेज करने की कला आती है। बिजनेस में रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है? यदि आप रिस्क में आ जाओ तो आप डिप्रेशन में नहीं जाना, आपने किस तरीके से उससे निकला है, ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं, जबकि जॉब में ऐसी बातें सीखने को नहीं मिलती। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप ये समझ सकते हो कि जॉब करनी है या बिजनेस करना है, जॉब करनी है तो क्यों करनी है, यदि बिजनेस करना है तो क्यों करना है, इसमें आप डिफरेंशिएट करके देख लेना। और कोई आपका जो सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना, क्योंकि ये काम आने वाली वीडियो है, ताकि आपके दोस्तों के साथ ये जो जब वीडियो ऐसी वीडियो आपके पास आएगी आप अपने दोस्तों के साथ उसको लाइक करके शेयर कर सको। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आपका दोस्त आपका होस्ट राजवंत सिंह बहाली, थैंक यू वेरी मच।